गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। आज हम जा रहे हैं मसूरी। सो हमारा अचानक से प्लान बना मसूरी जाने का, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है शायद। और गाइज़, मैं आपको एक और बात बताना था, भूल गई, मैं आपको अपनी सिस्टर से मिलवाना भूल गई। सो मैं आपको अपनी सिस्टर से मिलवाती हूँ, तो मिलो मेरी सिस्टर से, कैसी है वो। ओ हेलो, ये ज़्यादा दिन फ़ोन में ही बिजी रहती है। हेलो, ज़्यादा देख भी लो। हेलो, हंसने के लिए तो नहीं बोला मैंने। तो गाइस, ये है मेरी बहन, बड़ी बहन है मेरी, ये बहुत दिमाग खराब करती है मेरा। बड़ी हूँ तो बड़ी की तरह ही रहूँगी, ठीक है, ज़्यादा देर ना बनूँ। हेलो गाइस, तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, खाना भी खा लिया है। बस हमारे जो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि लेट लतीफ अभी तक नहीं पहुँचे, हम उनका अभी तक वेट ही कर रहे हैं। और मैं वेट करते करते एक बार सो गई हूँ, एक बार दोबारा से रेडी हो गई, फिर सो गई, दोबारा से रेडी हो गई हूँ। पता नहीं कहाँ है ये लोग, अब तो नींद समझ आने नहीं आ रहा। सच में मेरी आँखें देखो, आ गए क्या? हम हो गए हैं रेडी, अब हम जा रहे हैं मसूरी। सो मेरे साथ अभी है निहारिका दीदी जो आ गई है, और मेरे साथ पहले से थी मेरी बहन प्रिया। सब मिलते हैं हम अब आपको मसूरी में। अभी टाइम हो रहा है 1:00, सो हम अभी निकल रहे हैं। गणेश जी महाराज की जय। तो गाइस, हमने अपना ट्रिप शुरू कर दिया और हम सब गाड़ी में बैठ गए हैं, और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, और अब सब बोलेंगे गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। तो आगे आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। सुबह के 4:30 बज चुकी है, और अब देखो किस तरीके से अभी आगे रास्ते में फॉग हो रहा है और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है गाड़ी की। तो गाइस, हम देहरादून पहुंच चुके हैं, काफी ठंडा है यहाँ पर, देख सकते हो आप। दीदी, ठंडा काफी है, ठंडा काफी है। तो हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं मसूरी में, ऑन द वे है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इधर से फिराना। हम ऊपर चढ़ने लगे हैं मसूरी को, हम जा रहे हैं, ऑन द वे है। रास्ते में बस थोड़ा सा किलोमीटर हम दूर है, थोड़ी सी दूरी है मसूरी के, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी से हम नीचे पे रुके हैं, हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिला है, तो हम यहाँ से थोड़ा फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। सो आप देखो, काफ़ी लोग फ़ोटो शूट करवाने लग गए हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। देखिए, ये है निशांत भैया, आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? मेरी तो बहुत अच्छी फोटो आई थी, देखो। तो आपको कैसा लग रहा है मसूरी आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है अपने फोटो शूट कराने में मगन? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं आगे और अच्छे से बता पाऊंगा। तो गाइस, हम आपको आगे और अच्छे से बताएंगे। तो गाइस, अब हम सोकर उठ चुके हैं, तो अब हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा सा बाहर घुमाते हैं, बाहर डिनर करके आते हैं। सो हम लोग अभी रेडी वेडी हो रहे हैं, सब लोग रेडी हो रहे हैं, मैं तो हो गई हूँ, मुझे तो काफ़ी ठंडी हो रही है, तो मैंने इसके बाहर से जैकेट पहन लिया, ब्लेजर पहन लिया। और पूरा दिन रेस्ट करने के बाद दोबारा से हम फ्रेश होकर रेडी होकर निकल गए, और अब हम जा रहे हैं मालरोड घूमने, और वहाँ बहुत ठंडी आई थी। कितना डिग्री टेम्परेचर है गाइस? हेलो, 3 डिग्री टेम्परेचर हो गया है मसूरी में यार। तो उसको ब्लॉक कर रहे हैं। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं मसूरी, और अब हम डिनर के लिए निकले हैं, और थोड़ा देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन है। बहुत बर्फबारी हुई थी, फिसलने को भी सिचुएशन हो रही थी, बट हम गिरे नहीं, क्योंकि हमारे पापा का आशीर्वाद है, मम्मी का आशीर्वाद है। और काफी ठंडा है यहाँ पर।
भाई हाथ हाथ जम रहे हैं, ग्लव्स होने चाहिए थे। क्या बढ़िया, सही लग रहा है ना माल रोड। सो गाइस हम अब आपको दिखाते हैं माल रोड की रोड। हाँ यार एकदम बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और मोमो जरूर ट्राई करना। और बहुत सुंदर सुंदर शॉल्स और कैप्स आपको देखने को मिलेंगी, आप यहाँ आके शॉपिंग भी कर सकते हैं और मोमोज तो जरूर खाइएगा यहाँ पे, मस्त काफी अच्छे थे। सो गाइस आप बताइए आपको उत्तराखंड कैसा लगे, फर्स्ट हम आपसे पूछते हैं। यार बहुत शानदार नजारा है, शब्द बने नहीं है, बहुत अच्छे लगे। मैं तो खो गया हूँ यार, कोरोना के बाद से आत्मा तृप्त हो गई यहाँ की। सच में लगी नहीं रहा कोई कोरोना, एकदम हाँ नहीं एकदम ऐसे फील के फ्रेश हवा ले रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स। सो गाइस काफी अच्छा लग रहा है यहाँ आके, पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से ऊपर टॉप से। दिखाती हूँ आपको, क्या क्या ले रहे हो आप निहारिका दी, क्या ले रहे हैं आप? मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ फूड का आइटम मिल जाए, बहुत प्यारे प्यारे हैं और बेलन भी है।